एवरीवन, दिस इज़ नवाब। वेलकम टू खंडवा पिजन। अब आप लोगों के लिए लाए हैं सेकंड पार्ट, जो आप लोगों से वादा किया था। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियोस हमेशा लाते रहता हूं। तो चलिए करण भाई, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट करें। तो ये सब क्या है? पोस्टर पेयर्स भी हैं इसके अंदर, और जो है सब, मतलब आपको सब मिक्स कलर दिखेंगे। और पोस्टर पेयर किस यूज़ में आते हैं, कैसे यूज़ आते हैं, आज पूरी डिटेल वाइज आपको बताएंगे, ठीक है? तो आप लोग वीडियो को टिल एंड तक के देखिएगा, क्योंकि इसमें बकवास कुछ नहीं होगी, नॉलेजेबल चीज़ें होगी सबसे। तो करण भाई, सबसे पहले ये बताया जाए कि पोस्टर पेयर होता क्या है। भाई, फॉस्टर पेयर वो चीज़ होती है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी चीज़ को उसके पास रख के फॉस्ट करवा रहे हो। अच्छा, जैसे अभी से फ्रेंड ये फॉस्टर पेयर में इससे सेंटर की चिक्स बलवा रहा हूँ। अच्छा, क्यों? क्योंकि मुझे इनका भरोसा है कि ये चिक्स को बढ़िया पालेंगे, बढ़िया उनके माँ बाप से भी बढ़िया पालेंगे, इसलिए मैं इनके पास रखकर उन्हें पलवा रहा हूँ। अच्छा, तो ये जो फॉस्टर पेयर जो करते हैं, तो ये अंडे से ही करना पड़ता है या फिर बेबी से कर सकते हैं? तो आप अंडों से कर लो चाहे बेबी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, सब कर लेंगे। बाकी कोई कोई पेयर रहता है कि उनके पास अंडे ही रखना पड़ते हैं। अच्छा, हाँ, बाकी तो फिर सब अंडे बच्चे तो सबसे कर सकते हो आप, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मेरे इधर अधिकतर ज्यादा से ज्यादा फॉस्टर ही पेयर रखे हुए। हाँ, मैं वही आपका देख रहा हूँ, और मैं आज फॉस्टर पेयर का ही नॉलेज मेरे भाइयों को देना चाहता था, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए ये बिल्कुल अननोन सी चीज है कि क्या होता है फॉस्टर पेयर। फॉस्टर पेयर का एक फायदा बताता हूँ, इसके बाद एक चिक्स है। जी जी, ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है, अंडे भी रखे हुए। अच्छा, तो ये इसका मतलब इन्होंने इसको बड़ा भी करा और अंडे भी इन्होंने ही दिए। इसी के साथ के उनने भी वापस से अंडे रख दिए मेरे नकाबपोशों ने, केपोशी ने मेरे, और उसके नीचे मैं अभी अंडे वापस पलटा दूंगा। अच्छा, और बहुत से लोग कहते हैं भाई कि इससे कबूतर की एज कम होती है ब्रीडिंग, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका पर्सनल मतलब एक्सपीरियंस करा हुआ है ना ये सारा? ये देख सकते हो, ये मेरा बहुत पुराना पेयर है, ये मतलब इतने भी आधे से ज्यादा मेरे सारे पेयर बहुत पुराने फॉस्टर पेयर है, उनको ही यूज करते आ रहा हूँ। और मैंने ये भी देखा कि आप इसमें बेचने भी नहीं देते हो किसी को ना कोई। मेरे सादे पे जो है मेरे फॉस्टर पे, भले इनके बच्चे नहीं बनवाता हूँ, इनको तक नहीं बेचता, कभी नहीं बेचता हूँ। ये मतलब आप लोग, आपके लिए गोल्डन बोला भी बहुत लोगों ने जी, तो इतने अच्छी वेराइटियों के बीच में इतने अच्छे बेकार कबूतर रख के रखे तूने, ये वो, मैंने भाई पुराने पुराने होते हैं, नया नया। मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत यही आती है कि बहुत से लोग जो बोलते हैं ना ये खराब कबूतर, तो भाई मतलब यार शौक कर रहे हो तो कोई जानवर बुरा नहीं होता। जिनने पालना सिखाया, हाँ, उन्हें भूल जाओ तो मतलब बहुत। भाई ये एकदम बिल्कुल आपने एकदम दिल जीत लिया ये बात बोलकर, क्योंकि यार ये सही बात यही है, क्योंकि इंसान अपनी औकात कभी नहीं। हमने भी चालू करा था तो 150 रुपए से ही चालू किया था, आज भले ही 1.5 लाख के 2 लाख के कबूतर हमने रखे थे, लेकिन जो है वो बात उस चीज की थी वो किसी एक समय पे इसके फादर को लेके आया था 120 रुपए में। अच्छा, आज इस मेल की कीमत 3500 रुपए है मेरे पास इस मेल की। क्यों? क्योंकि ये हाई फ्लाइट टम्बलर है, 250 पल्टी का मालिक है ये खुद। इसके बच्चे मेरे से दिल्ली वाले मुंबई वाले बहुत मांगते हैं। अच्छा अच्छा, और इसकी एक खासियत है, ये एक कलर में बच्चे नहीं निकालता है। हाँ, इसके बच्चे इस कलर में भी आते हैं, ग्रे में भी आते हैं, और इसमें भी आते हैं। वाह यार भाई, हर कलर में बच्चे आते हैं। अच्छा, इससे मतलब आप देखिए सब बहुत ही बढ़िया वो है। तो ये सारे आपके जो फॉस्टर पेयर्स है ना, मतलब ये साथ जितने भी है इसके अंदर, ये जो फेंटल वगैरह है ये क्या है? ये क्रॉस में है, ये क्रॉस के अंदर है, और इसके साथ जो है वो शील्ड के साथ, शील्ड में है थोड़ा। अच्छा, ये हमारे यहाँ लोकल के लोग इस चीज को बहुत पसंद करते हैं, तो ये आप अवेलेबल करवा देंगे क्या लोगों को? हाँ, ये मिल जाएगी ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पूरा बना बना है, पेयर मेरे पास भाई लोगों को चाहिए है, तो आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि काफी लोग को ऐसे पाँव में चोटीदार पालने का भी बहुत शौक है। तो भाई इस तरीके के फॉस्टर पेयर्स आते हैं, और भाई एक जो ये दाने वगैरह हो जाते हैं, तो ये किस वजह से होते हैं? ये भाई ये तो मच्छरों की वजह से होते हैं। अच्छा, मच्छरों की। आप जैसे कि देख सकते हो मैंने मशीन लगाया नहीं है, मशीन मेरी खराब हो चुकी थी, मुझे लाके मशीन लगाना है। अच्छा अच्छा, थोड़ा टाइम बाद में लाकर लगाऊंगा। हाँ, मतलब आपने कटआउट उसी लिए ही दिया कि यहाँ मशीन। बच्चा क्या है, ये बच्चा ये अभी अभी का था, इसको इसलिए फॉक्स हो गए, ताकि आप इनको देख सकते हो, इन्हें नहीं हुआ, इसमें सिर्फ एक को हुआ, और ये 7-8 दिन में सूख भी जाएंगे, इसका ट्यूब भी आता है। अच्छा अच्छा, सर ये बहुत बेहतर है। और ये किसके बच्चे पाल रहा है? ये अपने पाउडर का, वो रेड। अच्छा, वो रेड पाउडर का। अच्छा जी, इसका इधर आपने ट्रांस किया, माशाल्लाह बहुत अच्छा भी है। अब मेरे साथ ब्रीड बहुत करते हैं यार कबूतर मेरे पास भी, लेकिन सरवाइव नहीं करते बच्चे, बस मेरे पास भी यही दिक्कत आती थी, इसीलिए मैंने बहुत सारा कलेक्शन अपना निकाल दिया। तो क्योंकि क्या है, यहाँ पर अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, आप जानो 45-47 तक का टेम्परेचर खंडवा का पहुँच जा रहा है,
और ये ब्लैक वाला, ये भी फॉस्टर है? ये भी फॉस्टर में है। ये किसके बच्चे या उसी के ही हैं? नहीं, ये अभी उसी के, फिलहाल में उसी के पालने दिए, उसके अंडे नहीं फेंके मैंने। अच्छा, और ये वाला किसका? ये तो ये मेरा अपने कर्मोनर का बच्चा है। कर्मोनर का, इसमें लेग बूट्स आ गए क्या? लेग बूट्स आ गए इसमें, इसके फादर और मदर को नहीं है, फादर इसको आ गए, लेकिन इसको आ गए, इसके फादर मदर भी अपन जो है कवर करेंगे ये बैठे हुए। तो ये मतलब कैसे आ गया इसमें पामोश, क्या मेल के ऊपर डिपेंड करता है या क्रॉस? अच्छा, मतलब एक तरीके से ब्लड लाइन चलती आती है ना। हाँ, ब्लड लाइन में किसी के फेदर होंगे जी जी, तो उसमें ये बन गए। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है ये। और इसके अलावा ये तो आपने बता ही दिया। और एक ये, एक ये पाउडर और मतलब हंगेरियन का क्रॉस मैंने करवाया था, उसके बच्चे को वो कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट भी। हाँ, भाई करते रहते हैं। एक ये बच्चा है उसका। ये दोनों, मतलब ये दोनों अलग अलग में डाल दिया आपने? अलग अलग में डाल दिया, क्योंकि बड़े होंगे तो शायद। हाँ, ये और ये ब्लैक भी उसी में ही आ गया पोस्टर। एक ये है उसका, मतलब एक बार में मैंने 6 बच्चे लिए थे, 2 सेल कर चुका हूँ मैं। अच्छा, बाकी एक ये है, ये और एक ये बैठा हुआ है। पाउडर और उसके हैं ये हंगेरियन के, ये पाउडर और हंगेरियन के बच्चे। अच्छा, मेरे भाई इनकी एक बड़ी बहन भी है, पाउड भी फुलाती है बढ़िया, ये भी पाउड फुला, ये नॉर्मल सा दिख रहा है पाउड में। और जो है इसके जो है फॉक्स में हो गया है, लेकिन ये भी निकल जाएगा। करण भाई के पास से इस चीज़ का तो गारंटी रहती कि कबूतर ज़्यादा टाइम तक बीमार नहीं रह सकता। अब ये जो है ये भी पामोश में है ना, अपना मतलब ये हंगेरियन क्रॉस में मेल है। हाँ? और फेंटल फीमेल है। फेंटल फीमेल है, लेकिन ये जो साइज तो इसका मीडियम ही निकला है। हाँ, ये साइज मीडियम। हाँ, वो फीमेल जो थी ना वो मीडियम थी। अच्छा, और अपना मेल भी जो हंगेरियन था वो भी एक तरीके से मिनिमम क्रॉस ही था। क्रॉस ही था, तो क्रॉस ब्रीड तो ऐसी ही मिलेगी भाई आपको। वो हंगेरियन तो साइज भाई मैं जानता हूँ कि इतना बड़ा साइज आएगा कि उसको अकेले सिंगल को इतना बड़ा केज लगता है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्वालिटी आती है वो तो। और आप लोग तो एक्सपेरिमेंट करा रहे हो माशाल्लाह, तो क्या होता है एक खुशी अलग मिलती है करण भाई। हाँ। कभी आप जैसे आप क्रॉस कराते हो और कुछ अच्छा निकलता है। अब देखो आप हर ब्रीड जो है क्रॉस करी हुई ही है, ऐसा नहीं है कि लखा तो आपने शुरू से था। कर्मोनर मेरे पास सिर्फ मेल ही था। हाँ, फीमेल तो मैं लाया था, पेयर लाया था, फीमेल मेरे सामने की बात है, वो फीमेल मर गई थी। बहुत बहुत समझ उसके साथ एक नॉर्मल थी फीमेल ला के उससे मैंने कर्मोनर फीमेल बनवा ली। हाँ। तो आज उसी का पेयर बनवा के आप बच्चा देख सकते हो। अच्छा, बहुत बढ़िया। बाकी एक ये पेयर है जो कि फॉस्टर कर रहा है, पाउडर के बच्चे, पाउडर के बच्चे दोनों हैं ये। हाँ, मतलब टोटल मैंने आपको बताया ना, मेरे पास 6 बच्चे अभी भी है जी। और ब्रीडिंग के मामले में वो पेयर सबसे फास्ट है मेरे यहाँ। अच्छा अच्छा, और बाकी एक पेयर ये मेरा फॉस्टर अभी इतने बच्चे। मतलब आपके पास लखे की वेराइटी जो है 2000 से लेके तो 3000 तक के बच्चे मिलेंगे, और जो पाउडर वगैरह के हैं वो 5000 से 7000 तक के मिलेंगे। हंगेरियन वगैरह भी मिल जाएंगे, कैपोचिन वगैरह भी 1500-2000 रुपए। किसी भाई को अगर चाहिए तो 4000 तक के भी पाउडर में अवेलेबल करवा दूंगा ये। हाँ, 4000 ये किसी बंदे को पालने का शौक है, उसके पास ज्यादा मतलब बजट नहीं है, बजट नहीं है तो भाई ये पाल सकते हैं जी जी जी। पाउडर का शौक भी हो जाएगा, का शौक भी हो जाएगा, अपने बजट में भी आ जाएगा, बजट में भी आ जाएगा। तो ये अभी बड़े होकर इसका पाउडर भी अच्छा निकलेगा, उन्हीं के हिसाब से बनाई हुई वेरायटी है। मतलब सब लोगों का ध्यान रखते हुए करण भाई काम कर रहे हैं। ये क्या है? कैपोचिन। ये कैपोचिन मेल है, ये को फीमेल है, ये हमारे शाकिर भाई की देन है। ये शाकिर भाई का बहुत जो है हमारे ऊपर करम है पहले से। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। हाँ, ये फीमेल टेढ़ी में है। अच्छा, ये फीमेल टेढ़ी में है। हाँ, बाकी लोग मेरे से ये पूछते भाई आप इससे भी ब्रीड करवा रहे हो, इसको खुद को संभलते नहीं बनता है। हाँ, खुद भी संभलते बनता है कि ब्रीड कर रही है फीमेल। और अभी तक के 3 से 4 बार ने मेरे बच्चे निकाल दिए। अभी एक बच्चा और निकलने वाला है। अच्छा, अधिकतर लोग यही पूछते हैं भैया आप कैसे करवा लेते हो क्या? हाँ वही भाई, वो मैं खुद देख रहा हूँ ना भाई, इतनी अच्छी ब्रीडिंग प्रोग्रेस हो भी आपकी गर्मी के अंदर, तो बहुत ही टफ पड़ता है ये। ये अब ब्रीडिंग करता है या नहीं कर रहा है भैया? ये अभी नहीं कर रहा है, अभी नहीं कर रहा है, अभी नहीं कर रहा। ये आपको बता दूं, बहुत से लोग चैनल पे बोलते थे भाई इंडियन पेट्स वाले शाकिर भाई, तो इंदौरी फैंसी पिजन वाले शाकिर भाई, तो ये आपको बता दूं, ये जो इसमें अभी तक के अंडे बच्चे नहीं किए थे, फिर करण भाई और हमारी ये एक पैर आप ये देख लो, और ये उमेर भाई आपने दिलवाया, आपने मंगवा के दिया जी। इसने अभी तक के मेरा 4 टाइम अंडे रख दिए, 4 टाइम अंडे रख दिए, और इसने अभी तक के एक बार भी। इसका मैं आपको एक थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लूंगा आप लोगों से। शाकिर भाई जो बहुत से कमेंट में बोलते हैं, जो तो ये ब्रीड नहीं किया था, इसमें हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी, ये मेल तो ये भाई बोले कि तुमने अभी तक के ब्रीड नहीं कराई। ये मेल अपने घर का, अपन ने मेल भी चेंज करके देख लिया फीमेल का। हाँ, बाकी फिर भी वो अंडे नहीं रखी थी। फिर उसके बाद हमने हमारी फ्रेंडशिप को बरकरार रखते हुए करण भाई को ये पेयर दिया था,
तो इसने मेरे वहाँ भी अंडे रखे, इसके मैंने अंडे पलटा चुके हैं, अंडे पलटा चुके हैं। तो ये देखिए आप इस तरीके के जो है रहते हैं भाई। देखिए हम लोग ये नहीं कहते कि वो चैनल बुरा है, चैनल बुरा है, लेकिन जो आप लोग एक तरीके तरह वो करते हो कि यार तुम ही बुरे हो वो अच्छे, तो वो चीज़ क्या है, हर इंसान के पास ये कबूतर के अंदर कोई बैठा हुआ नहीं रहता है कि यार मकसद हमारा क्या है कि आप सिर्फ फ्रॉड लोगों से बचिए, बस बस यही हम भी कहते हैं कि भाई आप सस्ता पालिए, हाँ अच्छा पालिए, बिल्कुल सही बात है करण भाई आपकी ये चीज़ भी। ये सारे पिजन्स आप देख लिए, ये जैकोबिन भी है इनके पास, तो ये अपना जो है आज यहीं पर पोस्टर पेयर का भी आप लोगों ने समझ लिया। और भी कुछ डाउट्स है तो आप लोग जो है आप पूछ सकते हैं। एक शॉर्ट में बता दूं, पोस्टर पेयर वो होता है जो इस तरीके के जो हाई फ्लायर्स रहते हैं, इन लोगों की इम्यूनिटी ज़्यादा रहती है, तो इसलिए बच्चे बहुत आराम से पाल लेते हैं, फीड भी अच्छा कर लेते हैं, दाना अच्छा भर लेते हैं, गर्मी में थकते नहीं हैं। और ये बनिस्बत बड़े कबूतरों के छोटे कबूतर बहुत अच्छे से कर लेते हैं। उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप लोग इसके पैर रख लीजिए जब ये अंडे दें, और सामने साथ वाला दूसरा पैर भी अंडे दे। ये मेन इन पैरों की खासियत है कि पैर कभी बच्चे भरते भरते थकते नहीं। हाँ वही बड़ा पैर का थक जाता है, कमजोर हो जाता है, ये कमजोर नहीं होता। देखिए की भी आपको हड्डी देखने को नहीं मिलेगी, तो बहुत से कबूतरों की हड्डी बच्चे पालने में हड्डी निकल ही जाती है गर्मी में, तो निकल ही जाती है। इन सबकी बुकिंग अभी करा सकते हैं, कोरमोनार वगैरह की भी, करण भाई के पास 10-15 दिन के अंदर पूरा सेट निकलने वाला है, लॉट निकलने वाला है, एक साथ पूरा लॉट भी जो लेंगे तो करण भाई आपको अवेलेबल करा देंगे। करण भाई का नंबर मैं स्क्रीन पर भी डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। सिर्फ वही लोग कॉल करिएगा जिन्हें 100% चाहिए होंगे कबूतर, और क्योंकि करण भाई के पास पहले ही टाइम की बहुत कमी रहती है, क्योंकि इनकी अभी कैफ़े वगैरह भी है, अभी नई नई कैफ़े चालू की है इन्होंने, और दूसरा अभी ये पेट शॉप भी चालू करने वाले हैं, और इनका ब्रीडिंग सेटअप अभी जो है बजीज वगैरह और सब हर चीज़ में इनके पास आने वाला है। तो आप लोग इनका नंबर सेव कीजिएगा और इन लोगों से लगातार टच में रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो पोस्टर पेयर के हिसाब से या फैंसी बिजनेस के लिए, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी हम विजिट करेंगे करण भाई के पास, तो उनसे पूरी डिटेल्स इसकी ले लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोज़ में रेगुलर अपडेट करते रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।